गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर दोस्तों आप प्रमोद राणा सर्च करके हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप सर्च करेंगे ये वाली प्रोफाइल खुल जाएगी, और जल्दी से दोस्तों फॉलो बटन पर क्लिक कर लीजिए तो आप मैसेज भी कर पाएंगे यदि आपको कोई क्वेरी है। दोस्तों वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और सभी की दोस्तों PDF फाइल भी बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके जुड़ सकते हैं और डेमो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की सीरीज में, यह है 12 अक्टूबर का करंट अफेयर। और यदि दोस्तों आपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाके उन सभी को देख सकते हैं, और टेलीग्राम में जोड़ के दोस्तों आप हमारे साथ इसकी PDF फाइल और भी PDF फाइल जो इंपॉर्टेंट है वो डाटा आपको मिलता रहता है। आपको दोस्तों सर्च करना है @studyhub95, तो दोस्तों क्या सर्च करना है @studyhub95, तो आप जुड़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अमेरिका को किस तूफान ने प्रभावित किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका को किस तूफान ने प्रभावित किया, माइकल नाम के तूफान ने। तो माइकल तो दोस्तों आप ऐसे ही आपको याद रह जाएगा क्योंकि जो माइकल है ये अमेरिकी नाम है, ये आपको आराम से याद रह जाएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ दिनों पहले उड़ीसा में डे नामक तूफान आया था, उड़ीसा, डा से क्या याद रह जाएगा, डे रह जाएगा, यानी उड़ीसा में डे बाई डे यानी उड़ीसा से ये याद रह जाएगा डे नामक तूफान आया था। उसके बाद देखिए दोस्तों फिलिपींस और चीन में कौन सा आया था, मैंगखुट तूफान आया था। इसको कैसे याद रखें, अब देखिए फिलिपींस यानी आप मान लीजिए एक मैन है, मैंग से दोस्तों आपको याद रह जाएगा थोड़ा, एक मैन है जो खड़ा है बेचारा, बहुत ज्यादा दुखी था। क्यों दुखी था, क्योंकि वो आगे चीनी खा रहा था, क्या खा रहा था, चीनी खा रहा था, और इतने में ही कोई दूसरा व्यक्ति आया और उसने उसकी चीनी छीन ली, यानी उसकी जो फीलिंग वगैरह उसको अच्छे से पीस दिया। तो फिलिपींस आपको ये याद रह जाएगा, फिलिपींस और चीन में कौन सा आया था, मैंगखुट तूफान आया था। अब यदि आपके सामने मैंगखुट नाम नाम का भी आ गया ना कोई चीज, तो वो आपको आराम से चीन और फिलिपींस दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों जापान, जापान में कौन सा तूफान आया, जेवी तूफान, तो जे से जापान आराम से याद रह जाएगा, जापान मतलब जेवी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC ने 2022 युवा ओलंपिक खेलों के लिए किस देश को चुना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो IOC ने 2022 जो युवा खेल ओलंपिक खेल है उनके लिए किसे, सेनेगल चुना है। सेनेगल कौन है, एक अफ्रीकी देश है, ये भी आप अच्छे से याद रखें। और अफ्रीका महाद्वीप जानते हो आप, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहले नंबर का कौन है, एशिया है, सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, ये भी आप अच्छे से याद रखें। अब देखिए दोस्तों सेनेगल की राजधानी क्या है, सेनेगल की राजधानी क्या हो जाएगी, डाकार हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों 2018 युवा ओलंपिक कहाँ, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित हो रहे हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखें। और दोस्तों इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा जो हम ये करंट अफेयर्स लाते हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, नहीं तो बढ़ाने को तो दोस्तों और भी बहुत से क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, कुछ ना कुछ आता ही रहता है फालतू डाटा। परंतु हम जो एग्जाम का एनालिसिस भी करते हैं, जो प्रीवियस में एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, फिर उसी अनुसार हम लाते हैं। इसके लिए दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरभ चौधरी जिन्होंने युवा ओलंपिक में हाल ही में गोल्ड जीता, वह किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों पहले तो आपको खिलाड़ियों के जरूर याद रखने होंगे, जो भी गोल्ड वगैरह जीतते हैं क्लियर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये जो खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है। तो जो ये सौरभ चौधरी है ये किससे, ये शूटर हैं, किसमें, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड जीता, आप ये भी अच्छे से याद रखें। और मनु भाकर भी बहुत सुर्खियों में चल रही है, तो आप इसका भी याद रखें, मनु भाकर भी कौन है, ये भी शूटर हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों जेरेमी लाल नेरुगा ये वेट लिफ्टर हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखें। और संदीप चौधरी क्या, भाला फेंक, यानी इन्होंने भाला फेंक में दोस्तों एशियाई पैरा खेलों में भी गोल्ड जीता था, ये भी आप अच्छे से याद रखें, अच्छे से याद रखें। और कन्फ्यूजन मत होना दोस्तों, ये तो जो शूटर है वो कौन है, शूटर तो सौरभ चौधरी है, और ये जो संदीप चौधरी है ये भाला फेंक में है, ये थोड़ा आप अच्छे से याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, 2018 के लिए डेमिंग पुरस्कार किसे दिया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2018 के लिए दोस्तों डेमिंग पुरस्कार किसको, इंडस टावर्स को दिया गया। यह दुनिया की दोस्तों सबसे बड़ी दूरसंचार टावर कंपनी है, कहाँ, चीन के
बार है। इसी के साथ साथ दोस्तों, यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय कंपनी है, ये भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ बनकर तैयार हुई है? पहले तो याद रखें, दुनिया की यानी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये, कौन सी कहाँ पर तैयार हो रही है? गुजरात में हो रही है, 182 मीटर ऊंची, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की हो रही है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जिसका अनावरण देखिए दोस्तों 31 अक्टूबर को उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। तो पहले तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की, अब जयंती तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से याद रखनी होगी, कब? 31 अक्टूबर को। और ये कहां पर है ये प्रतिमा? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, ये भी आप अच्छे से याद रखें। इससे पहले दोस्तों, सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर? चीन में वृद्ध का स्प्रिंग टेम्पल, यानी जो 153 मीटर की थी, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की 17वीं CHG बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पर हुई थी दोस्तों? संघाई सहयोग संगठन की तजाकिस्तान में हुई थी। इसी के साथ साथ अपने भारत की तरफ से दोस्तों, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसमें भाग लिया था, ये भी आप अच्छे से याद रखें। और दोस्तों, जून 2017 में भारत SCO का पूर्ण सदस्य भी बना था। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, जो जून 2017 था उसमें भारत क्या SCO का पूर्ण सदस्य भी बना था। और SCO को दोस्तों, मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है? चीन की राजधानी बीजिंग में है, ये भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफैम वर्ल्ड असमानता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, ऑक्सफैम वर्ल्ड असमानता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये 147 नंबर का है। इसी के साथ साथ दोस्तों, इस सूचकांक में असमानता को कम करने के लिए रिपोर्ट जारी की जाती है, आप ये भी याद रखें। पहले तो देखिए, 147 में है, और इस सूचकांक में क्या होता है दोस्तों? असमानता को कम करने के लिए रिपोर्ट जारी की जाती है। इसी के साथ साथ डेनमार्क जो है ये सबसे टॉप पर रहा है, ये भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व वाली निकी हैली ये कौन है? तो ये प्रसिद्ध दोस्तों अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व वाली निकी हैली कौन है? संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखें। और उन्होंने दोस्तों अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है, ये आप अच्छे से याद रखना। क्लियर क्वेश्चन पूछ लेगा जो ये निकी हैली है ये कौन है, तो ये संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत है। तो दोस्तों, ये एग्जाम के करंट अफेयर सामने जो डेली 12 अक्टूबर का रखा है आपके सामने, और दोस्तों ये आपके लिए सफिशियंट डाटा, आप स्वयं जानते हो दोस्तों, यदि डेली करंट अफेयर लाएं उसमें भी मैं आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन दे दूं, तो डेली के 20 से 25 क्वेश्चन भी पढ़ना बहुत बोझ होता है। आप भी जानते हो, यदि 100 क्वेश्चन हैं तो 100 में से आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन जीके जीएस के आएंगे, 20 में से भी मुश्किल से आपको दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलेंगे। तो जो वो 3 से 4 क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में पूछता है, वो आपसे डीपली नहीं पूछेगा, वो आपसे जो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, और ये जो हम क्वेश्चन ला रहे हैं, ये भी आपको एग्जाम का जो प्रीवियस एग्जाम हो रहे हैं सारे, उनका एनालिसिस करके ला रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और नए मेहमानों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल का आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अनअकैडमी पर जुड़ के भी वहाँ पर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पर आपको दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, जय भारत।